हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीप छात्रा एंड आप देख रहे हैं ओनली फॉर डिजाइन। तो आज दिखाएंगे आपको कैसे आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट से बैकअप ले सकते हैं, कोई पर्टिकुलर डेट पे कोई पर्टिकुलर वेबसाइट को कैसे आप बैकअप ले सकते हैं, आज वही दिखाएंगे। एक लाइव साइट के ऊपर दिखाएंगे, आज आपको दिखाएंगे दो टो तरीके से आप बैकअप ले सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से और दो टो ही बहुत सिक्योर है, ठीक है। एक दिखाएंगे प्लगइन से और दूसरा दिखाएंगे आप मैनुअली कैसे बैकअप ले सकते हैं। तो ज़्यादा पहले कुछ नहीं बोलेंगे तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फिर से बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। बहुत सारा दोस्त मेरा पर्सनल ईमेल आईडी रहा है, क्योंकि उसको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है वो फाइल मुझे भेज दे रहा है। बहुत सारा दोस्त में भेजता है, हम अगर किसी का सीरियस प्रॉब्लम हो तो हम डेफिनेटली करके देता है उसको। तो प्लीज़ खुद से करने के लिए ट्राई कीजिए एंड अगर नहीं हो पाएगा खुद से तो हम हेल्प कर देंगे। तो पहले बोलेंगे खुद से करने का ट्राई कीजिए। तो बहुत सारा वीडियो है मेरे वर्डप्रेस के ऊपर, बहुत सारा चीज़ें सेटअप कीजिए, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद डेवलपमेंट करना स्टार्ट कीजिए। तो प्लीज़ पहले खुद से ट्राई। तो चलते हैं वीडियो पे। तो उससे पहले फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड पास में जो बेल बटन है उसको क्लिक कर दीजिएगा। तो अगर मेरा चैनल पे नया वीडियो आएगा तो आप तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो पे। दो तीन वीडियो अपलोड किया हूँ वर्डप्रेस के ऊपर, बहुत अच्छा अच्छा वीडियो है। प्लीज़ हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे एंड आई बटन में भी दे देंगे, जैसे फुटर को डायनामिक कैसे करें। हम बहुत सारा वर्डप्रेस के ऊपर वीडियो देखे हैं दूसरे का, खुद भी बनाया है, लेकिन फुटर कभी कोई डायनामिक नहीं दिखा था। तो हम आज दिखा दिया फुटर को डायनामिक कैसे करें, वो ये वाला वीडियो, इसका आई बटन में हम लिंक दे देंगे एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। तो ये है मेरा साइट, मेरा क्लाइंट का ही साइट है। तो लाइव साइट हम बोले थे, लाइव साइट में दिखाएंगे। लोकल होस्ट से बैकअप लेना तो बहुत इजी है, लेकिन लाइव साइट से कैसे बैकअप लेना है आज लाइव पे ही दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए ये इस साइट को हम बैकअप लेंगे आज। तो पहले डैशबोर्ड पहले दिखाएंगे हम, प्लगइन से बैकअप कैसे लेंगे। प्लगइन, ये मेरा डैशबोर्ड है, देन जाएंगे प्लगइन्स, देन ऐड न्यू, देन लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे डुप्लीकेटर। डुप्लीकेटर बोल के एक प्लगइन से, डुप्लीकेटर बोल के एक प्लगइन है, बहुत अच्छा है, हम बहुत साल से यूज कर रहा हूँ, बहुत अच्छा प्लगइन है। देखिए ये प्लगइन है, इसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल में थोड़ा सा टाइम लगता है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल देखिए अभी एक्टिव, देन अभी एक्टिव पे क्लिक कर दीजिए। तो अभी लेफ्ट साइड जो साइड बार है उसके नीचे सबसे नीचे देखेंगे एक डुप्लीकेटर बोल के एक बटन आ गया, तो उसमें क्लिक करेंगे, ठीक है। देन क्रिएट करेंगे, देन देखिए स्टोरेज आर्काइव एंड इंस्टॉलर, ये दो टो फाइल आपको देता है, एक जीप फाइल देगा एंड एक इंस्टॉलर फाइल देगा, ठीक है। तो देन करेंगे नेक्स्ट, या अभी स्कैन करेगा आपका फाइल में कहाँ कहाँ क्या है, अगर वायरस है कि नहीं, सब कुछ ये कर लेगा। देखिए हो गया, देन अभी आप चाहिए तो रीस्कैन कर सकते हैं, नहीं तो बिल्ड कर दिए। देन ये थोड़ा टाइम लेता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बिल्ड योर पैकेज हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देखते कितना टाइम लेता है। इस टाइम में हम बोल रहा हूँ, प्लीज़ फिर से बोल रहा हूँ, मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए ये भी बहुत जल्दी हो गया है, तो बहुत जल्दी ई कॉमर्स के ऊपर वीडियो आएगा। मेरा बहुत सारा फ्रेंड पूछ रहा है ई कॉमर्स का वीडियो, तो बहुत जल्दी आएगा ई कॉमर्स के ऊपर वीडियो, हम ट्राई कर रहे हैं ई कॉमर्स के ऊपर। अगर कोई प्लेटफॉर्म के ऊपर खुद 100% नहीं जाना तो आपको कैसे सिखाएंगे। तो ई कॉमर्स थोड़ा बहुत हम जान चुके और थोड़ा सा बाकी है, तो दो चार दिन और रुक जाइए, हम ई कॉमर्स के ऊपर वीडियो लेके आएंगे। तो स्कैन कंप्लीट दे रहा है, देन बिल्ड,
बहुत पसीना हो रहा है क्योंकि सामने बड़ा एक लाइट है, उसके बाद कैमरा, पंखा नहीं चला सकते क्योंकि साउंड में प्रॉब्लम होता है। तो देखिए मेरा हो गया है, तो स्कैन हो गया। अभी देखिए यहाँ पे दो फाइल आ गए, एक इंस्टॉलर एंड एक आर्काइव। तो डाउनलोड करेंगे आर्काइव एंड इंस्टॉलर। अबे सॉरी, डाउनलोड आर्काइव, स्टार्ट डाउनलोड। देखिए डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। एंड इंस्टॉलर, तो मेरा फाइल डाउनलोड हो रहा है। तो ये फाइल को अगर कैसे चलाना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है। तो इसको हम कैसे फिर से रन करें वो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे आपको। अभी दिखाएंगे कैसे आप मैनुअली, ये तो प्लगइन से हो गया, कैसे आप मैनुअली एक वेबसाइट से बैकअप ले सकते, कैसे डेटाबेस का बैकअप ले सकते और कैसा फाइल का बैकअप ले सकते, ठीक है। तो उसके लिए चाहिए मुझे, ये तो हो गया, अभी ये तो हो गया मेरा डब्ल्यूपी एडमिन से, डब्ल्यूपी एडमिन चाहिए इसके लिए। एंड दूसरा चाहिए सीपैनल, तो ये मेरा सीपैनल है, दूसरा सीपैनल है। जस्ट ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे, देन कॉम्प्रेस, देन जीप, जीप होने देंगे इसको, एक जीप फाइल में आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे। देखिए हो गया, फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखिए डब्ल्यूपी एडमिन बोल के जीप फाइल आ गया 77.mb का, देन इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अभी डाउनलोड करना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारा डाउनलोड हो रहा है, हम कैंसिल कर दे रहे हैं। तो ऐसे डाउनलोड कर लेंगे इसको एंड सी पैनल पे जाएंगे। इसका डेटाबेस का बैकअप मुझे चाहिए, एक का बैकअप हो गया फाइल का एंड डेटाबेस को चाहिए। तो इसका डेटाबेस कहाँ से, फाइल मैनेजर, सॉरी फाइल मैनेजर तो यहाँ पे चला गया, मुझे डेटाबेस चाहिए, सॉरी ये देखिए डेटाबेस लिखा हुआ है, देन पीएचपी माय एडमिन। सॉरी ये जो सर्वर है मेरा पास थोड़ा सा नया है क्योंकि इस सर्वर पे हम काम नहीं कर, मैं ज़्यादातर गोडाइडी में काम करता हूँ, होस्टगेटर में काम करता हूँ। ये थोड़ा बाहर का क्लाइंट है, इसका लिए बाहर का सर्वर है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वर है, तो ये उतना नॉलेज है लेकिन टॉप नहीं है, ठीक है। सर्वर का अंदर सब एक जैसा ही होता है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। तो चलिए ये देखिए ये मेरा डेटाबेस है, इसको क्लिक करेंगे, देन एक्सपोर्ट, देन गो, देन गो पे देखिए ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। हम कैंसिल, ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, डाउनलोड होने नहीं दे रहा है क्योंकि मेरा जो एंटीवायरस है, देखिए यहाँ पे डेंजर्स बोल रहा है, installer.php may be dangerous rpsr, ये भी मुझे शो कर रहा है डेंजरस, क्योंकि थोड़ा सा साइट में अगर वायरस है तो मेरा जो एंटीवायरस है क्विकल एंटीवायरस है वो डाउनलोड करने नहीं देता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ऐसे जाएंगे, गो करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। वो मेरा एंटीवायरस के वजह से डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो बहुत आसान तरीका है, आप ये दो फाइल को आप ले सकते, रख आपके पास एक फोल्डर बना के रख दीजिए, डेट देखें कि इस डेट पे ये वेबसाइट का बैकअप लिए थे। तो जब भी अगर कोई आपका सर्वर पे कोई वायरस अटैक हो या सर्वर वेबसाइट क्रॉप्ट हो जाए तो आप उस बैकअप से आप फिर से रिटर्न पा सकते हैं सब कुछ। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड पास में जो बेल बटन है उसे हिट कर दीजिए, तो जब भी मैं नया वीडियो देंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कर दी करके बोलिएगा। थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।